जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची शब्दों को। ठीक है, पर्यायवाची शब्द आपके सीटीईटी एग्जाम, टेट एग्जाम, रीटेट एग्जाम या फिर एमपी टेट ग्रेड 3 एग्जाम में, गद्यांश पद्यांश में भी पूछे जाते हैं, आपकी हिंदी में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये पर्यायवाची शब्दों को अच्छे से पढ़ना है, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। जो भी नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो, जिनके अर्थ क्या हो, समान हो, क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द को प्रति शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रति शब्द। जैसे जल का नीर, अम्बू और तोय, है ना, तो इन्हें क्या कहते हैं, प्रति शब्द भी कहा जाता है। जिनके अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द। आपसे सीधा सा क्वेश्चन एक पूछ लिया जाए अगर कि ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, या प्रति शब्द, है ना। तो यहाँ पर हम अरंड का देखेंगे सबसे पहले। अरंड, ठीक है, इसका पर्यायवाची होता है दोस्तों वन, वन, विपिन, अटबी, जंगल, कानन, बीहर, गहन और कांता, ये क्या हो जाएगा, अरंड के पर्यायवाची हो जाएंगे। वन आपने पता ही है आपको, है ना, विपिन आपको याद रख लेना है, विपिन, विपिन वन गया, विपिन बन गया, तो विपिन बन, अटबी भी आपको याद रख लेना, अटबी जंगल आपको पता है, कानन भी आपको पता होगा, बीहर, बीहर भी, गहन, गहन बन अपन बोलते ना, गहन बन है, कांतार, तो कांतार आपको याद रखना है, विपिन याद रखना है, अटबी याद रखना है ना, बाकी तो आपको याद होंगे ही, जंगल भी होगा, कानन भी होगा, है ना, गहन और बन तो ये पता ही है। ठीक है, तो विपिन, अटबी और कानन, इनको आपको याद रखना। असुर, असुर का देखो, असुर का हो जाता है धनुज, धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, यातुधान, निशीचर और निशाचर। तो यहाँ पर देखना दोस्तों आपको, दानव, दैत्य, धनुज, राक्षस, निशीचर, निशाचर, ये सभी पता होंगे असुर के, लेकिन यातुधान आपको थोड़ा सा कठिन होगा, तो यातुधान आपको याद रखना है। ठीक है, असुर को बोला जाता है यातुधान, है ना। अग्नि का देखो, अग्नि, अग्नि का आग, अग्नि का क्या है, आग, ठीक है, अग्नि का आग, वन्नी, पावक, अनल, वायु सखा और दहन। ठीक है, तो वायु सखा भी कहा जाता है अग्नि को, क्या कहा जाता है, वायु सखा, याद रख लेना है आपको। और एक अनल और अनिल में आप कंफ्यूज होते हैं हमेशा, अनिल मतलब होता है क्या, वायु, अनिल मतलब वायु और अनल मतलब अग्नि। ठीक है, ये हमेशा कंफ्यूज वाले होते हैं, निम्न में से बताइए कौन सा अग्नि का पर्यायवाची है, उसमें अनिल भी दिया रहता है और अनल भी दिया रहता है, तो आपको याद रख लेना अनल है। ठीक है, आग, वन्नी, पावक, अनल, वायु सखा और दहन। धूमकेतु, कृषाणु, जात देव, वैश्वानर, ज्वाला, तो आपको कौन कौन सा याद रख लेना, एक तो वायु सखा याद रखना है, जात देव आपको याद रखना है, वैश्वानर, ठीक है, और धूम केतु, कृषाणु, कृषाणु भी आप याद रखेंगे, तो ये जो चार पांच जो कठिन है इनको आपको याद रखना है। ठीक है, अग्नि में। अमृत का देखो पीयूष, अमृत का पीयूष सभी को पता है, सुधा भी है, अमीय, जीवनोदक, अमी और सोम, अमृत के लगभग सभी को पता होंगे, है ना, अमीय भी जैसे बोलते हैं, अमीय, जीवनोदक है, अमी है और सोम है। ठीक है, अश्व का देखो, अश्व, बाजी, है ना, बाजी, हाय, घोटक, घोड़ा, सेंधव, तुरग और तुरंग, तो ये क्या है, अश्व के पर्यायवाची हैं। ठीक है, वाजी भी है, तो इनको याद रखेंगे। अपमान का देखो, अपमान, अपमान का अनादर, अनादर हो रहा है, अवमान, है ना, अवमानना हो रही है मेरी, अपन बोलते ना, बेज्जती, अवज्ञ, अवज्ञा हो रही है मेरी, तिरस्कार हो रहा है, अब उपेक्षा हो रही, उपेक्षा और निरादर, ये सभी अपमान के क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। आंख का देखो, आंख, आंख को हम नेत्र भी बोल देते हैं, लोचन भी बोल देते हैं, नयन, चक्षु, है ना, चक्षु भी बोलते हैं, दृग, अंबक, अंबक याद रखना है, दृष्टि, विमोचन, विमोचन, चक, दीदा, ईक्षण और प्रेक्षण, तो ये जो कुछ है, जैसे अंबक है, प्रेक्षण है, ईक्षण है, दीदा है, चक है, विमोचन, ये आंख को कहा जाता है, इनको याद रखेंगे हम। ठीक है, नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु, दृष्टि, दृग, ये तो सभी को पता है,
लेकिन अगर बात करें अंबक की, विमोचन चक दीदा ईक्षण प्रेक्षण ये कम ही लोगों को पता होंगे, ठीक है। आकाश की धौ, व्योम, गगन, अभ्र, अंबर, नव, अंतरिक्ष, आसमान, अनंत, शून्य। शून्य याद रखेंगे आप, शून्य आकाश का पर्यायवाची है। शून्य क्या है? आकाश का पर्यायवाची है। और धौ भी आपको याद रखना है, व्योम, गगन, अंबर, नव, अंतरिक्ष, ये तो सभी को पता है, आसमान, ठीक है। तो शून्य आकाश का पर्यायवाची है, धौ भी आकाश का पर्यायवाची है, ठीक है। और भी देखते हैं, अब इंद्र का पर्यायवाची हमें देखना है, शक्र, सुरपति, देवराज, पुरंदर, सचिपति, अमरपति, देवेश, सुरेश, मघवा, वासव, महेंद्र, सुराधिप, सतमन्यु, अमरेश, मरुतपाल, नागपति, ये क्या है? इंद्र के पर्यायवाची माने जाते हैं दोस्तों, है ना, इंद्र के। इच्छा का देखो, इच्छा का आकांक्षा, आकांक्षा क्या है आपकी? ईप्सा क्या है आपकी? आपकी ईप्सा, ईप्सा मतलब अभिलाषा क्या है आपकी, है ना, इच्छा। कामना, कामना करते हम, चाह करते, चाह, इच्छा, मनोरथ पूर्ण हो जाए, मतलब इच्छा पूर्ण हो जाए। स्प्रहा, स्प्रहा, ईहा और वांछा, ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे? इच्छा के पर्यायवाची हो जाएंगे। अलग अलग बोलते हैं सब लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी मनोरथ काम पूर्ण हो जाए, कुछ लोग अभिलाषा बोल देते, कुछ लोग कामना बोलते हैं, तो कुछ लोग आकांक्षा और कुछ लोग इच्छा बोलते हैं। सभी का अर्थ क्या होता है? एक सा होता है। तो ये क्या माने जाते हैं? एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते हैं। बात कर लेते हैं ईश्वर की, तो ईश्वर का परमेश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, ईश, जगदीश, दीनानाथ, भगवान, तो ईश्वर का तो सभी लोगों को पता ही है, बहुत सारे नाम यहाँ पर हम देख रहे हैं। उत्तम का देखो, उत्तम, उत्कृष्ट, वड़िया, प्रवर, प्रकृष्ट, श्रेष्ठ, तो आपको उत्कृष्ट भी पता है, वड़िया भी पता है, श्रेष्ठ भी पता है, प्रकृष्ट भी है और प्रवर भी है, ठीक है। प्रवर भी आपको याद रख लेना, प्रवर और प्रकृष्ट, ठीक है। उद्यम को देखा, परिश्रम, परिश्रम कर रहे हैं हम, पुरुषार्थ कर रहे हैं, श्रम, मेहनत, है ना, अध्यवसाय और व्यवसाय, उद्योग, व्यापार, धंधा, ये सभी उद्यम के हैं, ठीक है। अध्यवसाय ये आपको याद रखने हैं, बाकी तो आप लोगों को पता ही होंगे। उपवास का देखो, उपवास मतलब निराहार, व्रत, फाका, फाका, अनशन, लंघन, तो फाका याद करना है और लंघन याद करना है। उपवास को आपको व्रत, व्रत पता है, निराहार है, अनशन भी आपको पता है, फाका कम ही लोगों को होगा, लंघन भी आपको याद रखना है, लंघन, ठीक है। उपासना का देखो, उपासना, उपासना करते हम तो पूजा करते हैं, है ना, कुछ लोग उपासना बोलते, कुछ लोग पूजा, कुछ लोग आराधना बोल देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम सेवा करते हैं, है ना, कुछ लोग अर्चना बोलते हैं, कुछ लोग प्रार्थना, और कुछ लोग इबादत, है ना, हम इबादत करते हैं, तो इबादत भी उपासना को कहा जाता है। ऊसर का देखो, ऊसर, ऊसर का हो जाए सस्यहीन, अनुपजाऊ, अनुर्वर, परती, परती भूमि भी कहा जाता है ऊसर को, मरुस्थल, है ना, फलबंध, रहित, निष्फल या फिर बंजर भूमि, ठीक है। तो आपको क्या क्या याद रखना है? सस्यहीन भी आपको याद रखना, अनुपजाऊ आपको पता है, अनुर्वर पता है, है ना, परती भी आप याद रख लेंगे, मरुस्थल फलबंध है ना, रहित है, निष्फल है, बंजर भूमि है, ये ऊसर के कुछ पर्यायवाची। रिद्धि का देखो, रिद्धि का होता है दोस्तों वृद्धि, उत्कर्ष, वर्ती, बढ़ोतरी, संपन्नता, समृद्धि, ये काय के हो जाएंगे? रिद्धि के हो जाएंगे, है ना। ऋषि का देखो, मनीषी, मुनि, साधु, महात्मा, संत, मंत्र द्रष्टा, ये सभी ऋषि के हो जाएंगे, ठीक है। एक का देखो, एक का, एक जो हो जाता है वो क्या है? अद्वितीय, अद्वितीय भी बोला जाता है, अनोखा, अनुपम और प्रथम, ये क्या हो जाएंगे? एक के पर्यायवाची हो जाएंगे। अब आपको याद रख लेना है, एक के पर्यायवाची क्या होगा? अद्वितीय है, कोई वस्तु अगर एक होती तो हम उसे अद्वितीय बोलते हैं, अनोखा बोलते हैं, अनुपम बोलते हैं, प्रथम भी बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। एकांत का देखो, एकांत का शून्य, है ना, सूना, निर्जन, सुनसान, निभृत, वीरान, तो आपको निभृत याद रखना है, तो एकांत का आपको शून्य पता होगा, सूना भी है, निर्जन भी है, सुनसान भी है, वीरान भी पता, निभृत आप याद रखेंगे। एहसान, एहसान का आपने, कृपा आपने पढ़ी होगी, उपकार भी आपने पढ़ा है, है ना, आभार भी पढ़ा है, कृतज्ञता भी पढ़ा, अनुग्रह कम लोगों ने पढ़ा होगा, अनुग्रह कर दो, अपन बोलते ना हमारे ऊपर अनुग्रह करो प्रभु,
तो अनुग्रह भी एहसान का ऐच्छिक का वैकल्पिक स्वेच्छाकृति अख्तियारी इच्छा का सविकल्प और पसंद का है ना। संपदा ईश्वर का संपदा वैभव संपन्नता समृद्धि श्री धन संपत्ति वृद्धि भी हो जाएगा। ओंट का देखो ओंट का ओष्ठ अधर होंट दंतच्छद है ना रदनच्छद ये क्या होंगे ओंट के पर्यायवाची होंगे। ओज का देख लो ओज ओज का होगा तेज है ना बल क्रांति ताकत जोर दम पराक्रम वीर शक्ति ऊर्जा एकांकी होंगे ओज के पर्यायवाची हो जाएंगे ठीक है। ओस का देख लो तुसार तुसार लग गया हिम सीकर हिम कण हिम बिंदु और तुहिन कण है ना तुहिन कण तो इनको याद रखना है आपको हिम सीकर हिम कण हिम बिंदु और तुहिन कण ये उसके पर्यायवाची हो जाएंगे। औदात का गौर श्वेत शुक्ल सफेद भोला इकाई के औदात के होंगे। औदार औदार का देख लो औदार का महत्व उदारता श्रेष्ठत्व सरलता दात्रत्व। कंचन का देखो सोना कनक सुवर्ण स्वर्ण ये कंचन के होंगे। कटु कटु मतलब तीखा कड़ुआ तेज परम परा तीक्ष्ण कर्कश रूखा रूक्ष कड़ा और कठोर ये काय के हो जाएंगे कटु के ठीक है। कबूतर का रक्त लोचन कपोत परेवा परावत और हारित ये कबूतर के होंगे रक्त लोचन कपोत परेवा पारावत हारित। कमल का देखो उत्पल कुबलय इंडीवर पदम नलिन सरोज उत्पल के अरविंद सतपत्र सरसीरूह राजीव कंज अम्भोज पंकज अब्ज पाथोज पुंडरीक अम्बोज जलजात जलज वारज एक आई के हैं कमल के। कमल के कई बार पूछे जाते हैं दोस्तों तो एक बार और अच्छे से पढ़ना है। उत्पल कुबलय इंदीवर पदम नलिन सरोज अरविंद सतपत्र सरसीरूह राजीव कंज अम्भोज पंकज अवज पाथोज पुंडरीक अम्बोज जलजात जलज और बारज ये क्या हो जाएंगे कमल कमल के पर्यायवाची। इनको तो अच्छे से याद रखना है आप अच्छे से पढ़ेंगे पूछे जाते हैं। कामदेव का देख लो कामदेव का भी पूछा जाता है। मदन मदन बोला जाता है कामदेव को मदन। अतनु मनोभाव मनोभाव पंचसर पंचसर स्मर मार मनसिज मनमथ मीन केतु मकर केतु मनोभाव कंदर्प अनंग रतिपति मनोज मयन मकरध्वज पुष्पंदवा ठीक है। एक आई के हैं कामदेव के पर्यायवाची हैं। कृष्ण का देख लो मोहन मोहन भी बोला जाता है माधव बंसीधर हैं श्याम नंदलाल मुरलीधर गिरिधर कन्हैया वनवारी नंदन नंद नंदन वासुदेव वनमाली ऋषिकेश गोविंद मुरारी दामोदर व्रजवल्लभ और गोपीनाथ एक आई के हैं एक कृष्ण के हैं। कोयल का देखो कोकिल कोयल का कोकिल पिक श्यामा मदन सलाका कल घोष वसंत दूत और काकपाली ये काय के हो जाएंगे एक कोयल के पर्यायवाची हो जाएंगे ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ पर्यायवाची पढ़े इन पर्यायवाची को आपको याद रखना है एक या दो बार इस वीडियो को आप देख लेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो पर्यायवाची आपके हो जाएंगे क्योंकि पर्यायवाची शब्द आपके ज्यादा अधिकांश पूछे जाते हैं एक या दो नंबर के आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो पर्यायवाची को अच्छे से याद करना है अभ्यास करना है। पर्यायवाची कैसे आएंगे कैसे बनेगी आपको तो ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे जितने ज्यादा शब्दों की सीमा आप बढ़ाएंगे उतने ज्यादा आपसे पर्यायवाची शब्द बनेंगे ठीक है। अब अगला जो हमारा वीडियो होगा वो भी पर्यायवाची से संबंधित होगा। पर्यायवाची बहुत सारे पर्यायवाची आपको करवाना है ना एक एक वीडियो के माध्यम से हम रोज पर्यायवाची आपको अभी करवाएंगे पूरे के पूरे अनेकार्थी भी करवाएंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे इसी प्रकार से ठीक है। वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करना है और जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं फेसबुक से नहीं जुड़े हैं
वो जरूर जुड़ना है। फेसबुक से जुड़ने के लिए सर्च करना है सुमित जैन, ठीक है, इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए सर्च करना है सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक, ठीक है, व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए 9098609291 पर आप व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही साथियों, जय हिंद।